हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग महत्व है और हर एक दिन किसी न किसी भगवान की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक दिन में ईश्वर की भक्ति की जाती है तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उन्हीं शास्त्रों में मंगलवार के दिन को भगवान हनुमान को समर्पित माना गया है और इस दिन को हनुमान जी की भक्ति में लीन होने का अलग महत्व बताया गया है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलों को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से राम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है, साथ ही जगह जगह शरबत बांटा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार हनुमान जी भगवान श्री राम से पहली बार ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन मिले थे। साथ ही ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, क्योंकि हनुमान जी बूढ़े वानर का रूप रखकर भीम का घमंड तोड़ा था, इसलिए ज्येष्ठ माह के मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। बड़े मंगलवार को मनाने की शुरुआत लखनऊ से हुई थी। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के ही दिन भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने लक्ष्मणपुर यानी लखनऊ शहर की नींव रखी थी, इसी कारण लक्ष्मण जी ने बड़े मंगल की शुरुआत की। इतिहास पर नज़र डालें तो बड़ा मंगल लखनऊ का एक अनोखा त्यौहार है। यह पर्व गंगा जमुनी तहजीब माना जाता है। इस पर्व को धूमधाम से मनाने की शुरुआत 400 साल पहले हुई थी। यह अवध का एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदू मुस्लिम साथ में शामिल होकर मनाते हैं। इसकी कहानी के अनुसार एक बार नवाब मोहम्मद अली शाह के पुत्र बीमार पड़ गए। उन्होंने इसका इलाज वैद्य हकीम सबके पास करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब लोगों ने उन्हें उनके पुत्र की कुशलता के लिए लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाने की सलाह दी। नवाब ने वैसा ही किया। वह अपने पुत्र व बेगम को लेकर मंदिर पहुँचे और पूजा करते हुए मन्नत मांगी। इसके कुछ दिन बाद ही नवाब का बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी पत्नी ने हनुमान मंदिर की मरम्मत करवाई और ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को शहरवासियों को पानी और गुड़ का शरबत बांटा जाने लगा। तब से लेकर आज तक लखनऊ में ज्येष्ठ मंगल बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा व शरबत बांटने की परंपरा आज भी जारी है।